यानी पप्पू यादव से कोई पूछे क्या वैक्सीनेशन की जरूरत आप लगाएंगे तो मैं तो कहूंगा कि मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ वैक्सीनेशन। हम तो 70 लाख लोगों से मिल चुके, हमने तो कभी न सैनिटाइजर लगाया न तो मास्क लगाया। हर चीजों की राजनीति करने की फितरत हो गई है विपक्ष। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार समेत पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में 16 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी उस वक्त वहां मौजूद होंगे। पटना के IGIMS में इसकी शुरुआत होनी है सुबह 10:45 पर। लेकिन अब जब बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुझे टीका नहीं चाहिए, मैं टीका नहीं लूँगा। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी पप्पू यादव कई बार कह चुके हैं कि उन्हें टीका नहीं चाहिए। लेकिन क्यों उन्हें टीकाकरण के इस अभियान में शामिल नहीं होना है, क्यों उन्हें टीका नहीं लगवाना है, जरा सुनिए। जिनको लगाना होगा वो लगाएंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं प्रॉपर वे में कॉमन आदमी को वैक्सीनेशन आप लगाइए। यदि आपके पास वैक्सीनेशन है 3 करोड़ से ज्यादा तो अंतिम व्यक्ति जो है वहां से शुरुआत। पॉलिटिशियन या पूंजीपति या बड़े लोग, पॉलिटिशियन तो डेली लाखों के बीच में जा रहे हैं, कई मास नहीं है, लाखों लाख पब्लिक को मास नहीं होता है। कलकत्ता में, बंगाल में, हैदराबाद में, बिहार में आज 47 दिनों से किसान बैठा हुआ है, क्या वहां सैनिटाइजर और मास्क है क्या? इसलिए पॉलिटिशियन जो घर में बैठ करके ट्वीट करते हैं और पब्लिक से मिलने का काम नहीं करे और उन्हें भी वैक्सीनेशन की जरूरत है, मुझे तो आश्चर्य है। यानी पप्पू यादव से कोई पूछे क्या वैक्सीनेशन की जरूरत आप लगाएंगे तो मैं तो कहूंगा कि मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ वैक्सीनेशन। हम तो 70 लाख लोगों से मिल चुके, हमने तो कभी न सैनिटाइजर लगाया न तो मास्क लगाया। इसीलिए मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा वैक्सीनेशन पर राजनीति कराना हो, नीतीश जी से आग्रह करेंगे वैक्सीनेशन से ज्यादा जरूरत है बिहार के 11.5 करोड़ लोगों का जो आज माली हालत है, जो छोटे किसान है, 92% सीमांत किसान है। और हम लोगों का डिमांड भी है, परसों भी हमने इस बात को कहा कि MSP कानून सिर्फ 5, 6, 7 फसल के लिए नहीं, अब बिहार में तो 2 फसल के लिए MSP, धान और गेहूं, उसके बाद जितनी पशुपालन के द्वारा जो चाहे दूध है, मुर्गी है, अंडा है, इस पर MSP क्यों नहीं? धनिया, मिर्ची पाउडर, अदरक, हल्दी, प्याज, आलू, टमाटर, जो फल है, इस पर MSP क्यों नहीं? और हम लोगों ने तो सभी विपक्ष को कहा है कि आप संसद, किसान संसद में आइए, आप आंदोलन में रहते नहीं हैं। और जब आंदोलन बारिश और ठंड के बीच में 47 दिन बीत गया तो ये विपक्ष कहां गए थे? हर चीजों की राजनीति करने की फितरत हो गई है विपक्ष। तो आपने सुना, उन्होंने एक तरफ जहां पक्ष और विपक्ष पर हमला बोला है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि बिहार के कॉमन मैन को यानी कि आम आदमी को पहले टीका लगवाइए, टीकाकरण की जो प्रक्रिया है पूरे देश में सुचारू रूप से चले, कोई गड़बड़ी ना हो, अधिकारी इसको लेकर के पूरी जांच करें, पूरी तैयारी रखें। और ऐसे में पप्पू यादव का साफ साफ कहना है कि उन्हें अभी टीका नहीं चाहिए, पहले आम बिहारियों को टीका लगने दें। बहरहाल, आप लाइव स्ट्रीम पर बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।